हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम आपको दिखाएंगे बजाज प्लैटिना 110 का वॉक अराउंड रिव्यू। दोस्तों, प्लैटिना 110 बाइक का फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है। ब्लैक कलर का विंडशील्ड है, नीचे में LED DRL विथ हेलोजिन बल्ब टाइप हेडलाइट सेटअप। LED DRL आपको ऑन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये गाड़ी का LED DRL काफ़ी ब्राइट है। 130mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कॉम्फोटेक ब्रांडिंग के साथ आता है। एंटी स्किड ब्रेकिंग विथ कॉम्बी ब्रेकिंग ये गाड़ी में है, मतलब आप ये गाड़ी में कोई भी ब्रेक दबाओगे, आगे का या पीछे का, दोनों ब्रेक अप्लाई होगा। फ्रंट व्हील के बारे में बात करते दोस्तों, 80x100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दिया है। इधर में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, मडगार्ड फाइबर आइटम का है, लेकिन फिट एंड फिनिश का क्वालिटी बहुत अच्छा है। साथ में ब्लू कलर का स्टिकरिंग दिया है। एनालॉग टाइम स्पीडोमीटर दिया है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल लेवल मीटर है, नीचे पे न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट और इंडिकेटर लाइट। काफ़ी सिंपल लुक का स्पीडोमीटर दिया है, जो कि पहला का प्लैटिना से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। हेडलाइट का स्विच है, नीचे में आप सेल्फ का स्विच दिया गया है, हाई बीम लो बीम पास स्विच, हॉर्न बाइक का कुछ इस प्रकार का है। क्लच बिल्कुल लाइट है, प्लैटिना 110 बाइक में आपको क्लच बहुत लाइट मिलेगा। 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है दोस्तों, टैंक पैड दी गई है, सीट काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कुशनिंग दिया गया है, कॉम्फोटेक ब्रांडिंग के साथ आता है। पीछे में आपको ग्रैब रेल ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, 110 कॉम्फोटेक का स्टिकरिंग दिया गया है। बैकलाइट के बारे में बात करते दोस्तों, बैकलाइट बल्ब सेटअप में आता है, इंडिकेटर लाइट भी बल्ब सेटअप में आता है, नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया है और इधर में नंबर प्लेट फिटिंग होने का जगह है। मडगार्ड फाइबर में आता है, मडगार्ड का क्वालिटी ठीक ठाक है। 80x100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर आता है विथ नाइट्रॉक्स सस्पेंशन। फुटपैक बाइक का काफ़ी चौड़ा है। इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी में आपको 115cc का एयरकूल्ड इंजन विथ इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ देखने को मिलता है। 8.5 PS का पावर है, 9.1 Nm का टॉर्क के साथ, 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, बाइक को चलाने में कैसा लगता है आपको दिखाते हैं। दोस्तों, बाइक को चलाने से पहले बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी प्लेन रोड में आ गया हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। शुरू करते हैं, बाइक का सस्पेंशन कैसा है, सस्पेंशन के बारे में आपको बताते हैं। जितना भी 110cc का बाइक है, आप पकड़ लो, प्लैटिना 110 का सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब इससे सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। सीट बहुत सॉफ्ट है, सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है। बाकी बैलेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों, बैलेंस बहुत अच्छा है ये गाड़ी में, रिफाइनमेंट काफ़ी सही है। 115cc का इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर फिटेड इंजन है, DDSI इंजन है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। सिग्नल हो गया रेड। पुलिस वाले अंकल आ गया, मेरे को पकड़ेगा तो नहीं, मेरा अभी बाइक का नंबर नहीं है। जय राम जी की। सिग्नल ग्रीन हो जाए और मैं भाग जाए इधर से। सिग्नल हो गया ग्रीन। तो दोस्तों, अभी बाइक को थोड़ा भगा के देखेंगे कि बाइक का पिकअप कैसा है। नया गाड़ी है, स्पीडोमीटर खुला है, लेकिन कम से कम बाइक 80 के स्पीड में अभी जा रहा है, कम से कम। फुटपैक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, हैंडल बार में भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है,
डेली कम्यूटर के हिसाब से दोस्तों ये गाड़ी काफी सही है, मतलब एकदम बजट बाइक है। ये गाड़ी में आपको पावर भी देखने को मिलेगा, आपको माइलेज भी देखने को मिलेगा, आराम से 70-75 आराम से माइलेज मिल जाएगा। ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम ब्रेक का परफॉर्मेंस कैसा है अभी थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं लगभग 60 का स्पीड में जा रहा हूँ, अभी ब्रेक अप्लाई करके देखेंगे कि गाड़ी का ब्रेक कैसा है। बहुत बढ़िया, एक बार ट्राई करते हैं। और दोस्तों ये गाड़ी में आपको कॉम्बी ब्रेक मिलता है, मतलब कोई भी आप आगे का ब्रेक दबाओ या पीछे का ब्रेक दबाओ, आपको दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाता है कोई भी एक ब्रेक दबाने से। तो ब्रेक काफ़ी ठीक ठाक है बाइक का। नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा, ये गाड़ी में मोबाइल चार्जिंग अडाप्टर देना चाहिए था। सेकेंड, 110cc का बाइक है, स्पीडोमीटर जो है स्पीडोमीटर डिजिटल आ सकता था। प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, प्लस पॉइंट ये गाड़ी में जो देखने को मिलता है वो है, ये गाड़ी में आपको नकेल गार्ड देखने को मिलता है, जो कि 110 ABS मॉडल में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। नकेल गार्ड जो आपका हाथ को सेफ करता है। बाइक का गियर काफ़ी स्मूथ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों बाइक का हेडलाइट का फोकस काफ़ी अच्छा है, मतलब नाइट के टाइम में आपको गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, काफ़ी ठीक ठाक है। बाइक का गियर चेंज करने में, बाइक को हैंडलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।